नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स काफ़ी दिनों से इस टॉपिक को लेके इंतज़ार कर रहे थे। कई छत्तीसगढ़ के कई व्यूअर्स ने हमें इस टॉपिक के बारे में लेके संज्ञान दिया, तो आज हम इस विशेष रूप से इस टॉपिक को लेके आए हैं कि हज हाउस के लिए जो बजट है वो तो आपने सैंक्शंस कर दिया, बट तीर्थ यात्रा जो और अन्य धर्मों की तीर्थ यात्रा है उस पर अंकुश क्यों? एक अगस्त सन 2020 एक अगस्त को ईद उल अजहा के मौके पर सीएम भूपेश बघेल जी ने ये एक हज हाउस की स्थापना के लिए एक बजट पारित किया और हज हाउस का स्थापित भी किया। ये वो समय था जबकि कोरोना का समय था, जबकि ये कहा जा सकता था कि आपके पास बजट्स हैं। मैं बजट्स के भी संज्ञान आपको देता हूँ, इस पूरे कार्यक्रम से पहले ही मैं उसका थोड़ी सी भूमिका बना देता हूँ तो आपको आसान हो जाएगा। हमें मेरे पास कुछ डाटा है, उस डाटा के अनुसार अगर आप देखें तो जो पब्लिक डेट है 2021-22 का वो 28.3% आपका पब्लिक डेट आपको दिखाई देता है, और बजट का अगर बैलेंस देखेंगे तो रुपए माइनस में है 17,461 करोड़ का। तो ये माइनस में बजट होने के बावजूद इस तरह का प्रावधान अगर सीएम हाउस की तरफ से किया जाता है तो उसको संज्ञान में कैसे लिया जाए? तो आइए इस बात पे हम लोग चर्चा अपना प्रारंभ करते हैं। मेरे ख्याल से मैं पहले अपने पैनलिस्ट का परिचय दे दूं। हमारे पास पैनल में सबसे पहले हैं कटघोरा से लखन देवांगन जी, जो कि विधायक हैं बीजेपी से हैं। नमस्कार सर। दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर प्रीतम राम जो कि एमएलए हैं सामरी से और कांग्रेस को नेतृत्व कांग्रेस की तरफ से ये एमएलए चुन के आए गए हैं। और सबसे एक हमारे जो चौथे पैनलिस्ट हैं वो आशीष दुबे जी हैं, एडवोकेट हैं बिलासपुर में। तो आइए इसको जो है सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, चूँकि प्रीतम जी अवेलेबल नहीं है या होल्ड पे है उनका कॉल, आई डोंट नो, पता नहीं ऐसा कौन सा टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से वो होल्ड पे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लखन जी से ही स्टार्ट करते हैं कि सर आपका क्या मानना है इस मुद्दे पे कि 26 करोड़ रुपए का जो बजट इन्होंने हज हाउस के लिए सैंक्शंस किया है वो भी कोविड एरिना के समय में, क्या वो जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। कांग्रेस की सरकार एक धर्म को प्रोत्साहित करने काम कर रहा है, जबकि अन्य और भी भाजपा की सरकार में मुख्यमंत्री तीर्थ योजना चल रहा था, सारी बंद है। इस तरह से एक समाज को उपकृत करना ठीक नहीं है, और वैसे भी प्रदेश की सरकार अभी हर मोर्चे पर विफल है। एक चीज, मतलब आपने बहुत छोटे में संक्षिप्त रूप से इसका आपने वो बोला, मैं आपको और डेमोग्राफिकल इसमें कंसर्न में भी इसको ऐड करूँगा। मैं बताऊँगा कि अगर पॉपुलेशंस वाइज अगर हम देखें तो मुस्लिमों की जो टोटल आकलन है जो 2011 का सेंसस बताता है वो टोटल जो है सो केवल 2.02% है, ठीक है, और हिंदुओं की संख्या जो है सो 93.25% हिंदू हैं, जो बाकी क्रिश्चियनिटी तीसरे नंबर पे आती है 1.92% का, और रेस्ट बुद्धिज्म सिखिज्म और जैनिज्म है। सर आपका वेट कर रहा था मैं। डॉक्टर प्रीतम राम आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर सुन पा रहे हैं आप हमें? सर हमने बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, फिर हम अपने बात को आगे जारी रखेंगे। आपने देखा कि कोरोना का एरिना चल रहा था, 1 अगस्त 2020 को हज हाउस के लिए 26 करोड़ रुपए का सैंक्शंस जो है भूपेश जी ने दिया, तो आप इसको कैसे उचित ठहराते हैं, आप इसको कैसे आकलन लेके चलते हैं? मैं समझ सुन नहीं पाया हूँ, थोड़ा सा एक बार रिपीट करेंगे। सर कोविड का एरिना था, 1 अगस्त 2020 की बात है जब हज हाउस के लिए सीएम भूपेश बघेल जी ने 26 करोड़ रुपए का सैंक्शंस किया,
बजट हमारे निगेटिव्स में है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो 17,000 करोड़ रुपए हमारा डेफिसिट में चल रहा है बजट, तो उस एरिना में हम कैसे इसको जस्टिफाई कर पाएंगे? जी सभी पैनलिस्ट सबको मेरा नमस्ते, धन्यवाद सर। और जी जो बात आप रख रहे हैं जी, निश्चित रूप से बहुत ही आज के दौर में समय बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं जी। और जो शासन स्तर से जो आर्थिक पैकेज की बात है, बजट की बात है, निश्चित रूप से बहुत परेशानी हो रही है। और जैसा शासन का सोच है जी, केंद्र से जैसे अपेक्षित है मदद मिल जाता, तो यहाँ से स्थानीय स्तर से, शासन स्तर से जितना भी हद तक पूर्ण हो पाता। मेरा क्वेश्चन शायद आप मतलब, मैं कोविड के बारे में तो अभी जानकारी मैं नहीं ले रहा था, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि हज हाउस में जो 26 करोड़ रुपए उन्होंने कोविड के समय में दिया है, 2020 में इन्होंने 26 करोड़ रुपए इन्होंने सैंक्शन किया, इज इट वेरी फिजिबल? जबकि हमारा डेफिसिट में है, हमारा बजट ऑलरेडी निगेटिव में है, हम उसको कैसे लेके चलेंगे? हमारा मतलब वो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस वो कैसे दिखाई देगा? जी सर, लगता है सर को हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। आशीष जी, आप इसको कैसे, किस परिप्रेक्ष्य में लेके चलते हैं? जबकि हमारा हमारा जो परसेंटेज है, अगर हम मुस्लिम मतदाताओं का परसेंटेज भी देखें तो करीब 2% के आसपास जाता है 2011 में, 10 साल का है सेंसस, अगर फिर से करा के देखेंगे ले तो मान लीजिए 1-2% का और वृद्धि हो जाता है तो 4% हो गया, तो 4% के वोटर्स के लिए अगर हम 26 करोड़ रुपए इस कोरोना से एरिया में हम अगर सैंक्शंस करते हैं तो ये कैसे कैसा जायज है, ये क्या मतलब है क्या ये? सर्वप्रथम तो मैं सचिव को नमस्कार करता हूँ, और आपने जो सवाल पूछा है तो उसके बदले में मैं ये कहता हूँ कि देखिए, आज़ादी की बात से ही हमारे यहाँ कुछ ऐसी पार्टियाँ रही हैं जो केवल और केवल तुष्टिकरण पे ही यकीन करती हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसने शुरू से ही मुस्लिम तुष्टिकरण की परंपरा बनाई है, वो परंपरा आज तक विद्यमान है, और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसी कांग्रेस की सरकार है, और ये हज हक जो बन रहा है ये इसी तुष्टिकरण की देन है। कांग्रेस अच्छे से जानती है कि हमें किसी भी हालत में मुस्लिम वर्ग को लेकर चलना है, हमें उन्हें खुश रखना है, वो अपने वोट बैंक में किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो हिंदू वर्ग है, उन्हें इनकी कोई चिंता नहीं रहती, ना तो इनको हिंदुओं के ढंग से कोई योजनाएं हैं। एक तरफ तो आप इनके लिए हज हाउस बनवा दिए और दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं। अब जैसे अपन मानसरोवर यात्रा को लेते हैं तो इसमें सरकार की तरफ से टैक्स लगा दिया गया है, तो ये दोहरी जो मानसिकता है ये समझ से परे है। हमारा देश एक लोकतंत्र है और साथ ही धर्मनिरपेक्ष भी है, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों को समान रूप से देखना, सभी धर्मों को साथ लेकर चलना, और केवल एक अल्पसंख्यक वर्ग के नाम पे केवल एक ही वर्ग को ध्यान देना, उन्हें सुविधाएं देना, उनके लिए अलग कानून बनाना, उनके लिए एक पर्सन लॉ बोर्ड होना, तो ये एक तरह से ये लोकतंत्र को मैं सही नहीं मानता। और अभी जो कोरोना का समय चल रहा है तो सरकार को ये होना चाहिए कि वो यहाँ पे कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए ध्यान दे, तो यहाँ पे हज हाउस बनवा रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री महोदय की ये मानसिकता तो मेरे समझ से परे है, तो मैं इसे सही नहीं मानता, और ये सिर्फ और सिर्फ एक तुष्टिकरण का उदाहरण है, ये अपने वोट बैंक को बचाने की एक कोशिश है, मैं ये कह सकता हूँ इस बारे में। डॉक्टर प्रीतम, ये बड़ा जायज सा क्वेश्चन है कि अगर हम हज हाउस बनाते हैं तो तीर्थ यात्रा हाउस ही क्यों नहीं बना देते, कि एक ऐसा पॉइंट हो जाता है जहां से सारे तीर्थ यात्राओं को हम संचालित कर लेते। हम 26 करोड़ के लिए केवल हज हाउस के नाम पे क्यों रखते हैं? यही हमने उत्तर प्रदेश में देखा, यही हम और स्टेट में देखते हैं, यही अब छत्तीसगढ़ में भी हो गया, तो ऐसा क्या चीज़ है? इसको तो हम तीर्थ यात्रा हाउस बना देते तो जितना होता, चाहे जैन के लिए होता, चाहे सिख के लिए होता, सिख वाले जो है सो वो ननकाना साहब चले जाते। हेलो, हाँ सर, सुन पा रहे हैं सर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो
डॉक्टर साहब का, चूंकि डॉक्टर साहब, हाँ सर आ गए हैं, सर सर कनेक्शंस पे हैं, प्लीज प्लीज सर कंटिन्यू करें। हेलो, लगता है सर की कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इशू है, क्योंकि वो आज भी अभी दौरे पे हैं और दौरा करते हुए ही हमें कनेक्ट, मतलब हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो अगर हमें सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर मैं जो है सो फिर लखन सर से मैं अनुमति चाहूँगा कि वो इस पॉइंट पे अपने प्रकाश को डालें। कि सर लखन सर, आप ये बताइए कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम तीर्थ हाउस ही बना दें, एक ऐसा तीर्थ हाउस बना दें जहाँ से सिखों के लिए वो आपका ननकाना साहब चले जाएँ, जैन अपने तीर्थ पर चले जाएँ, बाकी जो और धर्म के लोग हैं, यहूदी हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो सबके लिए कॉमन सा हाउस हो जाता और वहाँ से वो सारे काम हो जाते, ये अलग से हज हाउस बनाने का क्या मुद्दा है? अब सरकार के द्वारा एक वर्ग को प्रोत्साहित करने के जो काम किया है अनुचित नहीं, अनुचित है, वैसे उनको करना है तो सभी समुदाय के लिए, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, और भी अन्य वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी काम करना चाहिए ताकि सभी समुदाय को उसका लाभ मिल सके। बाकी एक वर्ग के लिए, जैसे हमारे भाई साहब जी ने कहा कि विशेष वर्ग के लिए वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, ये ठीक नहीं है। हर वर्ग को आगे बढ़ाना चाहिए, हर वर्ग के लिए काम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली प्रीतम जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि वो आउटर में थे और हमारे साथ संपर्क में थे, बट अभी नेटवर्क के साथ वो डिस्कनेक्ट हैं। हम लोग अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि हमारे पास मतलब दो पैनलिस्ट हमारे पास और आने थे, बट अनफॉर्चुनेटली कनेक्टिविटी के इशू की वजह से वो कैप्चर नहीं हो पाए। आशीष जी, ये बहुत पुरानी परंपरा मैंने देखी है कि मतलब गाहे बजाहे जो है सो शुरू हो जाता है, वो यूपी में जैसे ही जो है सो गवर्नमेंट आती है तो वो कहती है कि हम हज हाउस रखेंगे या फिर और जो इस तरह की चीज़ें हैं, आप जाइए गाजियाबाद से स्टार्ट कीजिए तो बहुत बड़ा सा हज हाउस है। क्या प्रासंगिकता है, मतलब अगर एक बंदा जो है सो नागपुर जाके अपने हज हाउस का सारा फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ले रहा था तो उसके लिए 25 करोड़ रुपये का खर्च करना, वो भी कोविड एरिया में, और वो भी आपका बजट भी माइनस में है, क्या कैसे लगता है आपको, मतलब क्या चीज़ है आपको कहेंगे इसको? देखिए, ये जो जनरल पार्टियां हैं ये अच्छे से जानती हैं कि ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है ये बहुत ही जागरूक वर्ग है, ये अपने अधिकारों को समझता है, ये अच्छे से जानता है, और पार्टी ये भी जानती है कि ये हमारे मजबूत वोट बैंक है। बहुसंख्यक वर्ग जो हिंदू है वो भले हमें वोट दे या ना दे, लेकिन वो ये जानते हैं कि ये वर्ग जागरूक नहीं है, लेकिन ये जो हमारा वोट बैंक है अगर ये हमारे हाथ से फिसलता है तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, ये पार्टियां अच्छे से जानती हैं। और मैंने ये भी देखा है कि बहुसंख्यक वर्ग में ना तो कोई जागरूकता है और ना ही कोई अच्छी सोच है, ये पार्टियां अच्छे से जानती हैं कि ये तो हमें वोट देंगी देंगी, लेकिन ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है जिसकी तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, ये किसी भी कीमत पे उनको नाराज नहीं करना चाहते। देखिए, तुष्टिकरण एक अलग चीज़ हो गई। आप देखिए कि जहाँ पे आपका 90 मेरा आंकड़ा मैं आपको बता दूँ, फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि हमारा आंकड़ा जो है सो 93.25% हिंदू हैं, 2.02% इस्लाम के हैं। दोनों के ही नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, मुझे लगता है कि स्टूडियो से ही वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ये प्रकाश जी ने बड़ा अच्छा बात रखा है कि ये बात 2% की नहीं है, ये बात है 18% की, और ये छत्तीसगढ़ एक सिंबलाइजेशंस का जरिया हो सकता है कि हम 2% को ना टैकल करें। 2% तो कैसे काउंट करते हैं वो मतलब मेरे समझ से परे था, इसलिए मैंने इसको रखा और इसका बड़ा अच्छा हमें जवाब यहाँ पे मिल के आ रहा है। लखन जी, अब आप इस पे थोड़ा सा अपने पॉइंट्स को रखें कि ये क्या जस्टिफाई है कि ये 2% के लिए राजनीति नहीं हो रही है, 18% की राजनीति है, ये राष्ट्रीय राजनीति की का एक परिचायक है जी, प्लीज़।
लखन जी सुन पा रहे हैं आप? आज हमारे पास सबसे बड़ा इशू, हाँ जी भाई साहब ने ठीक कहा, सर के कनेक्शंस। हाँ सर प्लीज। हेलो, हाँ आवाज आ रही है अभी आपकी आ रही है। आशीष सर, सर की आवाज तो अभी जब तक डिस्कनेक्टेड है तब तक हम आपके पास आते हैं। कैसे ले रहे हैं इसको, कहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? ये क्षेत्रीय राजनीति है, राज्य स्तर की राजनीति है या ये राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है? देखिए ये जो बात बताई भैया अभी, बहुत अच्छी बात बताई है कि ये केवल 2% के लिए नहीं है, ये केवल ये पूरे भारतवर्ष में फैले 18% वालों के लिए ही है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ जिस पार्टी की सरकार है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो ये यहाँ ऐसा काम करके पूरे राष्ट्र में उन 18% को दिखाना चाहती है कि हम ही आपके रहनुमा हैं, एक हम ही है उसको आपकी चिंता है। तो आप देख लीजिए कि हम ऐसा काम करते हैं जिससे आपका भला हो, एक तरह का मैसेज है। मैं भैया के उन्होंने वक्त भी दिया है उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ, एक तरह का मैसेज है पूरे 18% के लिए। ये एक तरह का अपने वोट बैंक को और मजबूत किए जाने की एक ये कोशिश है। एक तरह का ये पूरा ये ऐसा काम है जिसमें कि पूरे भारत वर्ष की 18% को जोड़ा जाए और उनका ध्यान आकर्षित किया जाए और अपने वोट बैंक को और मजबूत बनाया जाए। मेरा इस बारे में यही कहना है कि पूरी तरह से केवल तुष्टिकरण की ही राजनीति का एक नमूना है। आज टेक्निकल फ्लॉज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रही है, ये व्यवधान जो है सो लगातार जारी है। शुरुआत में भी दो पैनलिस्ट के साथ रहा, अभी जो लखन जी थे वो भी ड्यू टू टेक्निकल फ्लॉज वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इस चर्चा को थोड़ा सा और हम समराइज करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। ये अगर आप देखें इस पूरे दायरे में तो आपको समझ में आएगा कि जो एक वर्ग को खुश करने की राजनीति रही है, ये मतलब एक ही जगह नहीं रहती है, ये यूपी में भी आपको दिखाई दे जाता है। मैंने पहले भी बोला था कि यूपी में भी आपको ये दिखाई देगा कि हज हाउस बना हुआ है, बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है। अब बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है उसका कितना मतलब कितना वैल्यू है और ऐसा क्या आधार है जिसके वजह से जो है सो हमने जो केवल हज हाउस ही डालने का प्रयास किया है? ठीक है, मेरा बार बार यही प्रयास है कि हम ये समझ पाएँ कि माइनॉरिटी तो और भी हैं और माइनॉरिटी में ही अगर हम आकलन अगर करें तो माइनॉरिटी में भी जो सबसे माइनर हैं वो जैन आते हैं, जैन से भी अगर और चले जाएं तो कुछ वो पारसी आते हैं जो कि गुजरात के हिस्से में पाए जाते हैं, वो शायद कुछ ही जनसंख्या में हैं वो बेचारे। तो उनके लिए तो आपने कभी कोई कार्यक्रम किया ही नहीं, आप कभी उसको एकदम ही छोड़ देते हो। और जब हम इसी परिप्रेक्ष्य में किसी भी पार्टी को हम देख लें तो वो कमोबेश ये इसी मुद्दे पे रहती है। तो ये एक जो सिंबलाइजेशन से जो प्रकाश जी ने कहा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 18% का ये जो टारगेट है वो दिखाई देता है, सामने सामने दिखाई देता है। प्रकाश जी इस पे थोड़ा सा और मैं आपसे एम्फेसिस चाहूँगा क्योंकि पिछली बार भी थोड़ा सा जब आप बोल रहे थे तो टेक्निकल फ्लॉज की वजह से वो रिकॉर्डिंग में शायद थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आई है, तो उसको आप थोड़ा सा कंप्लीट कर दीजिए। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो कंसोलिडेटेड हो करके इस तरह से टारगेट किया जाता है तुष्टिकरण की राजनीति, और माइनॉरिटीज की बात करेंगे आप तो माइनॉरिटीज में जैसे आपने बताया पारसी भी हैं, जैनिज भी है, माइनॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है कैसे उनकी संस्कृति और उसको बचा के रखने के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं। लेकिन जिसकी आबादी 20 करोड़ के ऊपर है पहले तो उसको माइनॉरिटी बोलना ही अपने अपने ही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 20 करोड़ की एक आबादी है जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं तो सबसे पहले तो इस अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सबसे ही मेरा जो है विरोध होता है कि क्या एक ऐसे ही कौम
इसके 20 करोड़ लोग नहीं मान करके हम अल्पसंख्यक क्यों और किस वजह से मानते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा रहा बात, जैसे कि आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में संख्या 2% है, 2% है, लेकिन जो मैसेज दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि हम इनका आप देखिए स्ट्रक्चर, तो सारे लोग आपस में कनेक्टेड हैं, इस कम्युनिटी के सारे लोग कनेक्टेड हैं, एक इनकी अपनी संस्था है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो कि संचालित करती है, इनके अपने कानून हैं, अपनी तरह के सारी चीज़ें सुविधाएँ हैं, सरकार भी इनको प्रोत्साहन देती रहती है। अब ये करने के बाद तो राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे बड़ा लालच होता है कि कैसे हम इस 18% को कैसे कवर कर ले, क्योंकि एक साथ मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ, वो फिर से वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कि कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, आ रही है आवाज। तो इसको देखते हुए क्या होता है कि एक राजनीति, अभी आप देखें पिछले जो आजादी के बाद की राजनीति रही है वो हमेशा से तुष्टि परक ही रही है, एक पार्टी जो इसमें रही है उसने इनको भिन्न भिन्न वजहों से वो कई सारे हज हाउस पे आते हैं, उनके लिए स्पेशल कानून भी आते हैं, प्रिविलेजेस दिया जाता है, चीजें हैं उसके साथ, तो उसको अब एक राजनीति उसके बाद से स्टार्ट हुई, जब ये अभी आप देखेंगे जो पिछले 15 वर्ष हैं उसमें इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की कोशिश थी, तो पहले कोशिश करने की कोशिश थी एक पार्टी उसके वजह से सत्ता में आती है, दूसरी पार्टी को फिर से वही लगता है क्या क्या इस तरह की कोशिश करूँ कि हम सत्ता में पहले से रह चुके थे, अब डेमोग्राफी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, आज की नहीं बात कीजिए अगले अगले 10 साल की देखेंगे जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, एक बहुत बड़ा तबका है और बहुत बड़ा वोट बैंक करने के लिए वो पार्टी प्रयास करती रहती है और हमेशा इतने मैसेजेस देती रहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी जो कड़ी है उसी मतलब जो उसका उसकी कड़ी है। ठीक है आशीष जी, इसको समराइज करिए और बताइए कि कैसे जो है सो इसको लास्ट एंगल हम कैसे इसको कंक्लूजन में लेके जाएं, मतलब मेरे को तो यही दिखाई देता है कि बार बार हम ये देखते हैं कि अगर कोई अल्पसंख्यक आयोग का कोई अगर मिनिस्टर भी बनता है तो मोस्टली मुस्लिम ही बनता है, ऐसा नहीं हमने कभी देखा कि कोई जैन बना दे, कोई बुद्धिज्म बना दे या कोई सिख बना दे, अभी पहली बार ये एक्सपेरिमेंट हमने यूपी गवर्नमेंट में देखा कि माइनॉरिटी आयोग का जो अध्यक्ष उन्होंने स्टेट में बनाया है वो एक सिख को बनाया है, ठीक है, अदरवाइज हमारे दिमाग में तो माइनॉरिटी मतलब तो मुस्लिम ही आ जाता है, ऐसा इसको समराइज करते हुए इसको सम अप करिए। देखिए आजादी के बाद से ही हमारे यहाँ जिन जिन कम्युनिटी को यहाँ माइनॉरिटी में लाया गया है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, मुस्लिम है, और अभी आज के टाइम पे मुस्लिमों की जो तादाद हो गई है तो मैं तो यही नहीं मानता कि अभी अब संख्यक है, अब तो ये तो इनकी संख्या क्यों हो चुकी है कि इनको तो बहुसंख्यक में लाया जाना चाहिए, तो मुझे ये मैं खुद आज तक मैं समझ नहीं पाया कि और जो बाकी जो कम्युनिटी है ये आज तक इतना बढ़ नहीं पाए, और ये जो है ये कम्युनिटी है तो आज इतने भारी है कि मैं इन्हें अल्पसंख्यक तो नहीं मानता, और जो पार्टियाँ हैं जो तुष्टिकरण की राजनीति करती है इनके लिए वो अच्छे से समझती है कि ये पार्टियाँ पूरे भारतवर्ष में इतने भी मात्रा में फैलने में है, और दूसरा इनका जो गठजोड़ है जो इनका एक तरह से जो इनकी एकता है वो बेजोड़ है, वो अच्छे से जानते हैं, और ये जानते हैं कि यहाँ अगर छत्तीसगढ़ में 2% को अगर यहाँ खुश किया जा रहा है तो ये पूरे भारतवर्ष के उन 18% को भी दिखाया जा रहा है, ठीक है, हम आपके लिए ही हैं और हम आपकी ही केयर करते हैं और हम आपके फायदे के लिए ही काम करेंगे, ये चीज मेरी समझ से परे है कि ये आखिर ऐसा क्या है कि ये केवल इन्हीं बात का सपोर्ट करते हैं बाकी दूसरे का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते। अब बहुसंख्यक की तो बात छोड़ ही दीजिए, बहुसंख्यक वर्ग को ऐसा है कि जिसकी चिंता तो आजादी के बाद से लगभग किया ही नहीं, और सबसे पहले जो आजादी के बाद जिसने सरकार बनाई है कांग्रेस पार्टी ने तो इसकी परंपरा की शुरुआत तो उन्होंने की, ठीक बात है, मैं तो ये सिख से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि आप केवल एक वर्ग के लिए काम करें और बाकी सब वर्गों को छोड़ दें,
ये लोकतंत्र के लिए एक धर्मिक धर्मिक राष्ट्र के लिए एक किसी भी तरह से सही नहीं है, सही नहीं, ठीक बात है, ये गंदी राजनीति का एक नमूना है। तो ये आज हमारे प्रोग्राम में आज के प्रोग्राम में हमारे कुछ विशेष अतिथिगण थे जो कि टेक्निकल फ्लॉज के कारण जो है सो अभी उपस्थित तो नहीं रह सके, पूरे कार्यक्रम में कंटिन्यू नहीं रह पाए, लेकिन इस चर्चा में हमने ये समझा है कि कैसे जो है सो 2% से 18% के जो सिंबलाइजेशंस है, पॉलिटिकल जो सिंबलाइजेशंस करने की कोशिश की जा रही है उसका एक ये भाग है, एक ऐसा राज्य जो कि खुद ही अभी डेफिसिट्स पे है, माइनस में, उनके जो बैलेंस शीट है वो माइनस में ऑलरेडी है, और उसको भी इस तरह की चीज़ों में अगर वो बिना संवेदना के, बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी राग लपेट के अगर उसको अच्छे कार्यों में लगाती तो वो अच्छे तरीके से उसका परिणति भी होता, लेकिन जिस चीज़ों का औचित्य ही नहीं उन चीज़ों पे इस तरह के खर्चे जो है सो उस पर अंकुश लगाना चाहिए राज्य सरकार को। हम लोग ये निवेदन करेंगे कि हम जन मीडिया टीवी के माध्यम से कि इस चीज़ को कंसीडर करे, सरकार इसको कंसीडर करे सो दैट डेवलपमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा हम बात कर सकें। जन मीडिया में बने रहने के, आप सभी लोगों को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, देखते रहिए जन मीडिया टीवी।